पहलवानों के समर्थन में युवाओं ने निकाली विशाल रैली, शहर भर के विभिन्न क्षेत्र से निकाली रैली, जमकर किया विरोध प्रदर्शन, पहलवानों के समर्थन में लगाए नारे, सरकार के विरोध में लगाए नारे। ब्रजभूषण सिंह का फूंका पुतला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा पहलवानों के समर्थन में न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर यह अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जमकर किया है पहलवानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन। आज के विधानसभाओं के यहाँ पर हम भाई लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है 40 दिन से हमारे जो देश के पहलवान है, जो देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, वो 40 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक सरकार का कोई भी सिंगल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जब वो जीत कर आते हैं तो तब वो खुशी के मारे सब आगे आ जाते हैं, लेकिन आज जब उनको जरूरत है, चाहिए कोई भी दोषी हो तो पूरी मामले की जांच होनी चाहिए। अगर पहलवान दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अगर ब्रजभूषण है तो उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। आज आप ज्ञापन देंगे तो किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, सभी युवा एकत्रित हुए हैं और आगे की रणनीति बनाएंगे। जब तक ये मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक हम यहाँ से लगातार हमारे यहाँ डीरवाड़ा से प्रदर्शन रहेगा। ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे रखी गई है? मुख्य मांग यही है, जो भी दो दिन पहले उनके पहलवानों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया था, उनके खिलाफ उनको सिक्योरिटी दी जाए और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो उनके पास है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, ये मुख्य मांग है हमारी। ये देश की बेटियां जिन्होंने विश्व भर में तिरंगे और महिला सम्मान को सर ऊंचा करवाया, उनका जो के जो आंदोलन को शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था उन पे जो जिस प्रकार के अत्याचार हुए उसके खिलाफ आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी मुख्य रूप से मांगे यही है, जो उनपे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, उनके जो आंदोलन चल रहा है सरकार उसको सपोर्ट करें, उनकी मांगों को जायज मांगों को माने और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये देश की बेटियां जिन्होंने विश्व भर देखिए कल 28 तारीख को परसों जिस तरीके से जंतर मंत्र पे पहलवानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, तो हमारे यहाँ डीडवाना क्षेत्र के तमाम जो मुख्य युवा है यहाँ जागृत, उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनके समर्थन में अपने को खड़ा होना चाहिए। तो एक छोटे से आह्वान के बाद यहाँ पर 200-250 लोगों की, हमारे साथियों की जो संख्या है वो यहाँ पे आज पहुँची है सुबह। हम यहाँ से अभी ADM के नाम पे ज्ञापन देंगे, वो मतलब जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है, तो हमारी एक छोटी सी शुरुआत है डीडवाना से। हम चाहते हैं कि हर तहसील स्तर, जिला स्तर, जो भी राजस्थान है, राजस्थान नहीं पूरे इंडिया के हो, वो पहलवानों के समर्थन में अपने अपने स्तर पर ज्ञापन सौंपे। देखिए पूरे देश को पता है कि पिछले 40 दिन से दिल्ली स्थित जंतर मंतर पे भारतीय पहलवान जो कि एक बाहुबली अपने आप में बन के घूम रहे नेता हरियाणा के ब्रजभूषण, जिन पे यौन शोषण के आरोप लगे हैं, तमाम देश के अलग अलग जातियों के सारे पहलवान उनके खिलाफ, सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जंतर मंतर पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि पहलवानों पे कार्रवाई की गई है। अभी 28 तारीख को उन्होंने कुछ आगे चल के आंदोलन करने का प्रयास किया तो उनको दबा दिया गया और जो अपराधी है वो खुले बस्ते में घूम रहा है। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी पहलवानों के समर्थन में आपकी? पहलवानों के लिए पूरा देश खड़ा है और देश का हर एक युवा खड़ा है। हमारी तो ये एक छोटी सी शुरुआत है, अब धीरे धीरे पूरे देश में एक आग की तरह फैलेगी और हर जिला मुख्यालय, तहसील स्तर हो चाहे राज्य स्तर हो, हर स्तर पर कलेक्ट्रेट या मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिए जाएंगे, PMO के नाम पे ज्ञापन दिए जाएंगे। अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आगे का क्या कठोर कदम रहेगा? देखिए हमारी जो प्राथमिकता है वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और आंदोलन की रहती है। हम अहिंसा के मार्ग में चलते हुए एक बड़ी रणनीति इस देश में तैयार करेंगे पहलवानों के समर्थन में और अपराधियों के खिलाफ, क्योंकि ये जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट है निश्चित रूप से जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है इसमें अपराधियों में विश्वास और आमजन में खौफ बढ़ रहा है। किस मामले में दिया गया है ये किसी से छुपावा नहीं है, पूरे देश को पता है कि देश के पहलवान 40 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर में एक अपराधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है अभी वर्तमान भारत की वो एक अपराधी का पक्ष ले रही है, पहलवानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, 40 दिन से धरने पे बैठे हैं, उल्टा एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ये पहलवानों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। 28 तारीख को जो अभी उन्होंने चल के धरना प्रदर्शन और बढ़ाने का प्रयास किया तब दिल्ली पुलिस द्वारा उनको कुचल दिया गया, अपराधी खुलेआम घूम रहा है और पहलवानों के साथ लगातार सरकार बर्बरता से पेश आ रही है, तो हम उनकी ढाल बनने के लिए आज हमने यहाँ से शुरुआत की है। ये एक चिंगारी है पूरे देश में, हर जगह जिला स्तर और राज्य स्तर पर राष्ट्रपति के नाम, PMO के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे और